फर्स्ट जो आपके कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए पॉलिटिशियन मस्ट नेसेसरीली कल्टीवेट द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। आइए बच्चे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो अपना जो फॉर्मेट बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए वो ये है, एडवर्ब पहले रखा जाता है, उसके बाद एडजेक्टिव रखा जाता है और उसके बाद आपका नाउन रखा जाता है। मैंने साफ साफ कह रखा है कि नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आएगा, कभी भी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब नहीं है। तो नाउन से तुरंत पहले कभी भी एडजेक्टिव ही लिखेंगे, एडवर्ब कभी भी नहीं लिखेंगे। ऑप्शंस जो आप देख पा रहे हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है आपको कि नेसेसरीली आर्ट लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में जो एडवर्ब लिखा हुआ उसके बाद नाउन नहीं आते, समझते ऑप्शन नंबर बी कट गया। आगे देखो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ऑट टू नेसेसरीली कल्टीवेशन, ऑट टू के बाद कल्टीवेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए जबकि नाउन दे रखा है कल्टीवेशन, ये ऑप्शन भी कट गया आपका। ऑट टू एक मॉडल ऑक्सिलरी है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए था, लेकिन नाउन कल्टीवेशन तो ऑप्शन है, सी भी आपका कट गया। आगे बढ़े अपन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए और ऑप्शन ई काफी सिमिलरिटी दिखाते हैं, फर्क केवल टेंस का है बच्चे। और ऑप्शन डी तो पूरी तरह से अलग है, मस्ट है और मस्ट हैव के बाद है द नेसेसिटी एक नाउन दे दिया है टू कल्टीवेट एन आर्ट, मीनिंग ही चेंज हो रहा है ऑप्शन डी में, तो ये भी गया। ऑप्शन ए और ऑप्शन ई में क्या फर्क है? ऑप्शन ए में मस्ट बी कल्टीवेटिंग कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ई मस्ट नेसेसरीली कल्टीवेट द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। अब देखो बच्चे कोई भी जो जनरल फैक्ट कहा जाता है जो कॉन्टिन्यूस में नहीं है प्रोग्रेशन में नहीं, तो हमेशा उसको मॉडल ऑक्सिलरी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखते हैं, तो मस्ट कल्टीवेट आ जाएगा। और यहाँ पे एक एडवर्ब है बेटा, एडवर्ब ऑफ मैनर नेसेसरीली पॉइंट के बीच में आ जाएगा, बाकी ऑप्शन कट जाते हैं, इसका मतलब आंसर आपका जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है और फर्स्ट ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। कर दीजिए बेटा ये फटाफट से, नो करेक्शन रिक्वायर्ड क्वेश्चन आपका हो गया है, तो आगे बढ़ जाएं भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा कॉन्सेप्ट के साथ चलिए, बहुत मजा आने वाला है सेशन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपके स्क्रीन पे है, क्या आंसर किया आपने करते चलिए, पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए फिर अपनी नोटबुक में लिखिए और फिर देखिए मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरे पास बेटा स्क्रीन पे नहीं दिख रहा मुझे, मुझे यही दिखेगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी नेसेसरी रिफ्लेक्ट्स ग्रेटर एफर्ट्स मेड बाय द एम्प्लॉय। देखो बेटा रिफ्लेक्ट वर्ब है आपकी, उसको नहीं छेड़ा गया है, रिफ्लेक्ट आपकी वर्ब है बेटा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट चाहिए एक, तो सब्जेक्ट क्या बेटा, सब्जेक्ट है इसका प्रोडक्टिविटी जो एक नाउन है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी डिक्रीज्ड और इंक्रीज, यानी ये नाउन है तो नाउन को अपने से पहले क्या दे देंगे, नाउन को खुद से पहले मिला है जो वर्ड क्या कहलाएगा आपका एडजेक्टिव, तो इंक्रीज क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, ये एक सब्जेक्ट बन रहा है बेटा एडजेक्टिव प्लस नाउन फ्रेज से मिलकर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद ये आपकी वर्ब हो गई। और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच दो चीज लिखी जा सकती है वो केवल और केवल एडवर्ब होती है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, इसके बीच में जो कुछ लिखा जाएगा वो एडवर्ब लिखा जाएगा, और फिलहाल ये देखेंगे कि एक ही एलवाई लगा हुआ वर्ड है अपने पास यहाँ, और वो है नेसेसरी से नेसेसरीली, कुछ देखने की जरूरत नहीं है बच्चे, केवल एक ही ऑप्शन बेटर है ऑप्शन डी, बाकी तो कुछ टिक ही नहीं रहा है, डायरेक्ट अप्रोच से जाया जा सकता है, ऑप्शन काटने की जरूरत नहीं है यहाँ तो, क्योंकि अपने को पता है ये आपका नाउन है जो सब्जेक्ट बन रहा है, इससे पहले एडजेक्टिव इंक्रीज लिखा हुआ है, रिफ्लेक्ट आपकी वर्ब होगी, तो इसके बीच में केवल और केवल एडवर्ब हो सकता है और कुछ खास नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, हाईली इंटेलिजेंट पीपल। देखो तो सब्जेक्ट बना है बेटा आपका, वो कैसे बना है देखिए, हाईली आपका एडवर्ब है, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है और पीपल आपका नाउन हो गया,
यहाँ से बन गया आपका सब्जेक्ट पूरा का पूरा। इसके बाद एक अंडरलाइन पार्ट है बेटा, सेल्डम टॉलरेट एनी एम्बिग्युइटी। पार्ट को आप अंडरलाइन कीजिए बेटा, माइंड में कर लीजिए, सेल्डम से लेकर यहाँ तक जिसको रिप्लेस करना है ये मैं लिख देता हूँ यहाँ, सेल्डम टॉलरेट एनी एम्बिग्युइटी, ये वह है बच्चे। पहले ऑप्शन काटिए बेटा, टॉलरेट व्हाट, तो टॉलरेट के व्हाट के बाद एक नाउन आएगी बच्चे, तो नाउन आएगी तो एम्बिग्यूस तो आपका एडजेक्टिव है बेटा, टॉलरेट व्हाट का आंसर नाउन बनेगा, एम्बिग्यूस नहीं हो सकता, ऑप्शन बी कट गया। ठीक है जी, ऑप्शन सी में तो टॉलरेट व्हाट सो एवर, व्हाट 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 कितना कुछ देर का मीनिंग ही चेंज हो रहा है। ऑप्शन डी भी कट गया भैया, लेकुना देर का वर्ड चेंज नहीं कर सकते, जहां तक नहीं करना अपने को, भले ही आपका टेंस चेंज हो जाए सेंस चेंज कभी नहीं होना चाहिए। तो अब बचे बच्चे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ई, फटाफट से बता दीजिए क्या करोगे थर्ड में। अब आपके पास चॉइसेस बहुत कम है भाई, क्या करना चाहिए आपको? देखो बच्चे, ऑप्शन आपका ई भी सही है और ऑप्शन आपका ए भी सही है, दोनों सही है। हाईली इंटेलिजेंट पीपल टॉलरेट हार्डली एनी एम्बिग्युइटी लिखे तो भी सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सेल्डम ही सही है, देखो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं, अगर आपका सेल्डम ही सही है बच्चे तो फिर आप क्यों चेंज करो इसको, जब आपका सेल्डम खुद ही सही है बेटा तो आप फिर इसको चेंज कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका बेटा सेल्डम ही सही है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। बच्चे मैं फिर कह रहा हूँ ऑप्शन ए भी करेक्ट है, लेकिन जब तक आपका ऑप्शन ई करेक्ट है तब तक आप सेल्डम के स्थान पर हार्डली का प्रयोग क्यों करें, सही है ना, तो आपका ऑप्शन है ई सही हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, ही कम्स ऑफन टू आवर हाउस, भैया मैंने पहले कहा था आपका ओपन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है बेटा, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहां लिखेंगे बेटा बताइए फटाफट से, बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो आपका सब्जेक्ट, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन मेन वर्ब के फॉर्मेट में लिखा जाता है, बात नंबर एक। बात नंबर दो, हेल्पिंग वर्ब हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब, देन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन मेन वर्ब लिखा जाता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हो, नेवर जैसा एडवर्ब हो और बी फॉर्म हो, वी आर नेवर लेट, तो ये बी फॉर्म प्लस भी लिखा जा सकता है, बी फॉर्म के बाद आ सकती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, कंप्लीट देखना है तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट है वो पार्ट ए थर्ड में मिल जाएगा। ठीक है चलो, तो फिलहाल क्या हो जाएगा आंसर बताओ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और मेन वर्ब से पहले आएगा, बोलो ए के ऑप्शन में बेटा, ई के साथ कम कभी आ ही नहीं सकता, ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन ए होगा नहीं। ऑप्शन बी ओपन कम बिल्कुल सही है, सी में भी ओपन कम लिखा हुआ है, तो ये जो अपना मुकाबला है वो बी और डी के बीच था और बी और डी में से बी जीत गया, लेकिन मेन वर्ब से पहले आएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर फाइव पे, आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, क्वेश्चन फिफ्थ देखिए बच्चे, आंसर कीजिए फटाफट से क्या आएगा। Recently he had insured for a mediclaim policy. देखो बच्चे recently, time का adverb है, adverb of time है recently. Recently, adverb of time है बेटा, और ये adverb of time है, इसकी सही position देखिए। पहली बात तो ये कह रहा है recently हुआ है, ठीक है ना, तो देखो एक तो past simple he insured recently for, दूसरा है recently he insured for, ठीक है, तो ये शुरू में तो नहीं आएगा क्योंकि ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई नहीं कर रहा, शुरू में नहीं आएगा तो ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन डी भी गया भैया, दो तो गए। फिर देखो नेक्स्ट, जंग बची है ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में, रिसेंटली भैया वर्ब के बाद नहीं आएगा तो ऑप्शन सी भी कट गया, केवल ऑप्शन ए करेक्ट है भैया, ही हैड ए रिसेंटली इंसर्ट फॉर ए
मेडिक्लेयर पॉलिसी। चलो नेक्स्ट ले लीजिए, फिफ्थ में आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, बहुत गजब के क्वेश्चन है बच्चे। अभी मेरी बात हुई अपनी, I see him often at the bus terminal. Question number 6. Often का location क्या होना चाहिए, position क्या होना चाहिए? Main verb से पहले। सही phrase क्या हो जाएगा? I often see him. बहुत easy question है बेटा। Next देखिए जरा question number 7 पे बढ़ जाइए। I never remember to have met a more intelligent man in my life. मुझे याद नहीं है भैया कि मैं इतने होशियार आदमी से कब मिला हूं। देखो बच्चे, आई नेवर रिमेम्बर का मतलब क्या, नेवर कहाँ आना चाहिए, नेवर रिमेम्बर यानी मुझे कभी याद नहीं रहता है, ठीक है ना, मुझे कभी भी याद नहीं रहता है, ठीक है ना, ऐसा तो मतलब नहीं है ना। हाँ, मुझे कभी याद नहीं रहता है, नेवर रिमेम्बर, मैं याद नहीं रखता हूँ, ठीक है। एक इंटेलिजेंट आदमी से मिलना, to have met a more intelligent man in life, ये बहुत ही तुमसे या किसी और से ज़्यादा intelligent आदमी से मैं मिला, ठीक है ना। देखो ये location, अगर I never remember लिखोगे तो अर्थ बदल के आएगा, तो इसको आप ऐसे लिखो भैया, I remember it, मुझे याद है, never to have met, देखो ये have met है, ये perfect participle, sorry perfect infinitive है, perfect infinitive का मतलब होता है काम हो गया है, complete हो गया है, ठीक है ना। नेवर टू हैव में मुझे याद नहीं है भैया, कभी भी मिला हुआ कि मैं कभी मिला भी था, तो यार नेवर की पोजीशन को लेकर गलती है। इस तरह के सेंटेंस में ध्यान रखिए, नेवर जब भी लिखते हैं, आई नेवर रिमेम्बर लिखोगे इसका मतलब मुझे कभी याद नहीं है, तो हैव मेट कि मैं मिला भी था क्या, क्योंकि एक ही बार मिले हो, कभी नहीं मिले हो, आई रिमेम्बर नेवर टू हैव में, ये लोकेशन है। एक क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। You have acted nobler than all of us. बहुत ही गजब का क्वेश्चन, आप करने की कोशिश कीजिए, मैं हिंट लेता हूँ आपके लिए। बच्चे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, अगर मैं बेटा आपसे पूछूं कि एक वर्ड होता है बेटा एडजेक्टिव होता है, एक वर्ड आपका एडवर्ब होता है, एक एडजेक्टिव है आपका, एक एडवर्ब है। मैं आपसे पूछूं बेटा एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। मैं पूछूं बेटा क्या एडवर्ब की भी 3 डिग्री पॉसिबल हो सकती है क्या, इसी तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो आपका आंसर आना चाहिए यस सर, ऑब्वियसली। लेकिन क्या सभी सुपरलेटिव डिग्री और जो आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब की सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री होती है वो सेम रहती है? देखो एक वर्ड लेता हूं मैं पहले, ये काफी कॉमन वर्ड है, गुड, बेटर, बेस्ट। आपसे पूछूं बेटा ये एडजेक्टिव की तीनों फॉर्म है, एडवर्ब की तीनों फॉर्म है, आप फटाफट से आंसर करोगे, इसे गुड तो एडजेक्टिव होता है अपना। मैं पूछूं बेटा इसी को अगर एडवर्ब काम में ले तो क्या करोगे, आप कहोगे सर वेल, बेटर एंड मैं आपसे पूछूं बेटा मैंने कहा बेटा ठीक बात है आपकी, लेकिन आपने यहाँ सेंटेंस जो क्वेश्चन नंबर 8 का सेंटेंस है उसमें तो यू हैव एक्टेड लिख रखा है, तो सर ये एक्टेड कैसी वर्ब है, एक्टेड कैसी वर्ब है, एक्टेड कैसी वर्ब है, ये तो सर एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है सर, एक्शन वर्ब है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए सर, एडवर्ब आना चाहिए बेटा जी, हाँ एडवर्ब आना चाहिए। तो बेटा देखो अब एक्शन वर्ड है तो इसका एडवर्ब कैसे बनेगा, ये नोबल तो एडजेक्टिव है बेटा, नोबल, नोबलर, नोबले, ठीक है, लेकिन जैसे ही बेटा इसका एडवर्ब बनाओगे, इसका एडवर्ब है भी बनना है, बैड का बैडली बन जाता है, वैसे नोबल का क्या बन जाता है बेटा,
नोबली, ठीक है, मोर नोबली, मोस्ट नोबली। बताओ बेटा एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब कहाँ मिलोगे, एडजेक्टिव कहाँ मिलोगे? आप कहोगे सर डेफिनेटली एडवर्ब कहाँ मिलेंगे, तो नोबलर तो क्या है बेटा जी आपका, एडजेक्टिव फॉर्म है कंपैरेटिव डिग्री का, तुलना करनी है एडवर्ब की, तो फिर क्या लिखेंगे बेटा, मोर नोबली। नोबलर किसी के क्या जाएगा बेटा, ऑप्शन बी में नोबली, यू हैव एक्टेड ए मोर नोबली। नोबलर की जगह क्या लिखो बेटा आप, मोर नोबली, ये कॉन्सेप्ट बता लीजिए बेटा, अच्छा कॉन्सेप्ट ले लीजिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है अपना, ये गजब का क्वेश्चन है बच्चे। करो देखें, यू शुड हैव सफिशियंटली कोलेटरल, आपको होना चाहिए भैया पर्याप्त रूप से कोलेटरल होना चाहिए जब आप किसी की उधारी चुका रहे हो, किसी की उधारी चुका रहे हो तो आपको कोलेटरल होना चाहिए। अब देखो बच्चे, पहले तो ये देखो शुड के बाद जो मेन वर्ब लिखी गई है बेटा ये हैव है, और मेन वर्ब के बाद में अगर हैज और हैव हो तो उस पर पजेशन होता है भैया, ठीक है। यू शुड हैव कोलैटरल, सीधी सी बात हैज और हैव के बाद लिखा गया बेटा जिसपे अधिकार होगा, और अधिकार हमेशा नाउन पे ही हो सकता है किसी चीज का, तो ये कोलैटरल वर्ड नाउन है बेटा, और अगर ये कोलैटरल वर्ड नाउन है बच्चे तो इससे पहले क्या आना चाहिए, बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, अगर ये कोलैटरल वर्ड आपका नाउन है तो इससे पहले क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब। आप कहोगे सर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए डेफिनेटली एक एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, फिर मैं आपसे पूछूं बेटा एक वर्ड होता है सफिशियंट, एक वर्ड होता है बेटा सफिशियंटली, और पूछो बेटा एडजेक्टिव कौन सा एडवर्ब कौन सा, आप कहोगे सर सफिशियंट एडजेक्टिव है और सफिशियंटली क्या बेटा आपका एडवर्ब है, तो कौन सा काम में लोगे, आपको भी सर एडजेक्टिव काम में लेंगे। तो यू शुड हैव सफिशियंट कोलैटरल, कोलैटरल का मतलब होता है भैया अगर कोई उधार नहीं चुकाए वापस से तो फिर उसके बदले में अगर कोई चीजें रखी जा सकती है, जो समर्थक ऋणाधार जिसको बोलते हैं, प्रतिभूति बदले में जो चीजें रखी जाती है उनको बोलते हैं, ठीक है। अब बढ़ जाइए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यू शुड हैव सफिशियंट कोलैटरल की जगह हो जाएगा, और सफिशियंटली कोलैटरल की जगह हो जाएगा नाइन्थ में बी सफिशियंट कोलैटरल, ठीक है। नेक्स्ट लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, एमपीटी का क्वेश्चन है, एडवर्ब ऑफ मैनर टाइम और प्लेस एक साथ आ जाए तो क्या करें बच्चे, आप ही बताएं क्या करें, अगर एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस और टाइम एक साथ आ जाए, पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लिखेंगे फिर प्लेस लिखेंगे एंड देन टाइम लिखेंगे, ठीक है। और टीम विल बी टुमारो हियर फॉर द नेट प्रैक्टिस, लास्ट में रीजन है लास्ट में डाल दीजिए, टुमारो और हियर, टुमारो बता रहे टाइम को, हियर बता रहे प्लेस को, बताओ जी पहले क्या होना चाहिए, पहले मैनर, मैनर यहाँ है नहीं, प्लेस यहाँ है हियर और देयर, टाइम यहाँ है टुमारो, इस बात बी पार्ट मैनर हो जाएगी, विल बी हियर टुमारो, ये आपके ऑर्डर का एरर है, इस ऑर्डर में लिखी जाएगी, इस क्रम में बी पार्ट मेरे हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए फटाफट से, यू शुड हैव नॉट लिसनड टू व्हाट शी सेइंग, तुमने ध्यान से सुना नहीं होगा जो वो कह रहा था, पक्का ही तुमने ध्यान से नहीं सुना है, सुनना चाहिए था तुम्हें। चलो जी देखो क्या है बेटा, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हो बोले उसके बाद अगर हैव आता है तो सीधी सी बात है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी हैव आ गया, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी काम है वो पास्ट में परफेक्ट हो गया है। जब भी ये मॉडल की परफेक्ट स्ट्रक्चर होती है, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
would have plus verb की third form, would have plus verb की third form, might have plus verb की third form, यानी एक perfect structure model, यानी काम पूरा हो चुका है, ठीक है। लेकिन बच्चे अब जो दिक्कत आती है वो कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है कि not कहाँ लगाए, should have not लगाए या should not have लगाए, ये देखने वाली चीज है। क्योंकि आप इसको जैसे मान लो ऐसे लिखा है मैंने should have a not mentioned, ये फ्रेज लिख दी मैंने, मान लीजिए ये सही है या फिर ये सही है, ये देखने वाली बात होगी। should not a have mentioned, इसमें से सही कौन सा होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं will have been लिखता हूँ, will have been working लिख दिया, अब मुझे not लगाना है adverb of negation, तो कहाँ लगाऊँ, will have been not working, अगर मैं कहूँ helping verb के बाद लगेगा तो helping verb पूरी है तो यहाँ आना चाहिए, अगर मैं कहूँ have के बाद लगेगा तो यहाँ आना चाहिए, और अगर मैं कहूँ कि helping verb के केवल पहले बार के बाद लगे तो यहाँ आना चाहिए। लोकेशन तीन हो सकती है, सही कौन सी होगी हमेशा। तो बच्चे एक ब्रह्मास्त्र देके जा रहा हूँ मैं, नॉट का एक ध्यान रखना, अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के एक से ज्यादा भाग हो तो नॉट हमेशा उस हेल्पिंग वर्ब के प्रथम भाग के तुरंत बाद लगा दीजिए। चलो हेल्पिंग वर्ब का प्रथम भाग कौन सा है, शुड हैव मेंशन, दो पार्ट है शुड और हैव, प्रथम भाग ये शुड रहा, तो नॉट की पोजिशन क्या होगी बेटा, ये होगी ना कि ये होगी, ठीक है। आराम से आंसर ढूंढ पाएंगे, बोलो कौन से पार्ट में एरर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, यू शुड नॉट हैव लिसन टू व्हाट ही सेइंग, तुम्हें सुनना ही नहीं चाहिए था जो वो कह रहा था, ठीक है, बी पार्ट में एरर हो जाएगा, शुड के तुरंत बाद नॉट लगाइए। चलो नेक्स्ट पर जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपको, मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स कहाँ के, ऑफ द प्लेन के, हैव बीन किल्ड बाय द टेररिस्ट, उनको मार गिराया गया भैया, किनके द्वारा, टेररिस्ट के द्वारा, हु आर ए गुड इक्विप्ड विद द लेटेस्ट आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है हथियार, ठीक है, और वर ए इक्विप्ड, देखो वॉच और वर के बाद एडजेक्टिव आ गया इक्विप्ड, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड आएगा ना बेटा वो एडवर्ब आएगा, क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो एडजेक्टिव वर्ड है इक्विप्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही होगी तुम्हें ये, लेकिन ये आपका क्या है बच्चे, एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि टेररिस्ट इक्विप्ड थे, इक्विप्ड टेररिस्ट थे, ठीक है, लेटेस्ट आर्म के साथ, तो आप क्या करोगे बेटा, ये तो लिंकिंग वर्ब थी, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव है तो बीच में क्या आना चाहिए बच्चे, एडवर्ब, एडवर्ब वेल होता है गुड होता है, आप कहोगे सर वेल होता है, तो गुड इक्विप्ड की जगह क्या लिखेंगे, वेल इक्विप्ड लिखो, जैसे ये काम आते हैं भैया वेल मेंटेन्ड, वेल ड्रेस, ठीक है ना, इस तरह के फ्रेजेस काम में ली जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट ले लीजिए, द टीचर स्कॉल्डेड हिम ऑलवेज, टीचर भैया हमेशा डांटता था उसको, बिकॉज ही रेयरली रीच स्कूल ऑन टाइम, क्योंकि वो मुश्किल से स्कूल पर, स्कूल समय पर पहुंचता था। क्वेश्चन नंबर 13 पे नजर डालिए, द टीचर स्कॉल्डेड हिम ऑलवेज, अब देखो बेटा ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ ए फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, टीचर क्या है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखी कहाँ जानी चाहिए, मेन वर्ब से पहले, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले लिखी जानी चाहिए, तो कहाँ लिखोगे बेटा, टीचर है ऑलवेज स्कॉल्डेड, इस तरह से, कौन से पार्ट में एरर है बेटा, बी पार्ट में, सुधार लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे,
I am very happy to know that she has accepted what? She has accepted my offer with gladly. अब देखो भैया, लिखा है विद एक एडवर्ब, सॉरी प्रीपोजिशन है और इसके बाद gladly लिखा हुआ है। अब बेटा देखो, गलती तो सीधी बात है यही होगी, क्योंकि ये आपका एडवर्ब है और किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो एडवर्ब नहीं बनते, यानी गलती तो इस पार्ट में है कहीं ना कहीं। अब गलती क्या है बेटा, जब आपका gladly खुद ही एडवर्ब है तो भैया एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन की जरूरत कब से पड़ने लगी? मैंने सेक्शन में कहा है कि विद केयरफुली नहीं लिखना, विद ग्लैडली नहीं लिखना, पूरा वहां डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट थर्ड में मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो विद ग्लैडली नहीं लिखे भैया, क्या करते भैया विद को कॉमिट कर दें, हटा दे आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाइए जरा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। दो सीवियर टोन क्लॉथ से लुक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड गुड ड्रेस। अब देखो बच्चे क्या लिखा है, वो हालांकि फटे कपड़े पहनती है लेकिन बहुत सुंदर दिखती है। एक्सट्रीमली एक एडवर्ब है बेटा, प्लस ए ब्यूटीफुल, इसके बाद क्या लिखा गया है, एक एडजेक्टिव लिखा गया है, ठीक है जी। एंड से जोड़ा है बेटा इसको, और ध्यान रखिए भैया एंड है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन फैन वॉइस है वो हमेशा बराबर की चीजों को जोड़ता है। अगर बराबर की चीजों को जोड़ेगा तो यहाँ जो ड्रेस लिखा गया है ये तो एडजेक्टिव है बेटा, इससे पहले क्या लिखेगा बेटा वो एडवर्ब, और अभी भी बताया बेटा गुड ड्रेस नहीं होता है, क्या लिखोगे वेल ड्रेस, एडवर्ब चाहिए यहाँ, एडजेक्टिव नहीं। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए, ढूंढिए आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 रखो, क्वेश्चन नंबर 16 रखो स्क्रीन पर। Unintentional, I let out the secret by talking about it loudly in the library. फटाफट से कीजिए बेटा आंसर। क्या लिखा है? देखो किसी भी sentence को start है वो unintentional adjective से किया ही नहीं जा सकता कभी भी। Intentional का मतलब होता है इरादतन। अनइंटेंशनल का मतलब होता है गैर इरादतन। लेकिन बेटा ये तो वर्ड एडजेक्टिव है ना, अब यहां जो वर्ब लिखा गया है और सॉरी एडवर्ब लिखा गया है अनइंटेंशनल, वो एक्चुअली अनइंटेंशनली होना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि गैर इरादतन रूप से तुमने क्या किया, जैसे मैं लिखूं भैया अनफॉर्चुनेटली पे वो जे नॉट कॉट, अगर मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस लिखा कि भैया गलती से है वो दुर्भाग्य से वो चोर को पकड़ा नहीं गया, तो बेटा ये जो वर्ड अनफॉर्चुनेटली लिखा है ना ये एक्चुअली किस लिए आया है, इस पूरे के पूरे क्लॉज को मॉडिफाई करने के लिए लिखा गया है, और जब इस पूरे के पूरे क्लॉज को मॉडिफाई करने के लिए लिखा गया है तो फिर इसे सेंटेंस के शुरू में ही होना होगा, और एक्चुअली ये एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में ही लिखी जा सकती है इस तरह के एडवर्ब। इसके बाद कोमा का प्रयोग जरूर होना चाहिए जो नहीं किया गया है, लेकिन एग्जामिनेशन पंक्चुएशंस के एरर को मानता नहीं है, तो अनइंटेंशनल की जगह क्या लिखा जाएगा अनइंटेंशनली। नेक्स्ट बढ़ जाइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 ले रहा हूं आपके लिए। बिफोर द गेम ही फेल्ट श्योरली ऑफ विनिंग बट विद इन 5 मिनट्स ही रियलाइज्ड दैट ही वाज रॉन्ग। मैंने तो सोचा कि भैया मैं पक्का ही जीत रहा हूं, लेकिन 5 मिनट में औकात पता चल गई और आइडिया हो गया कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही रही है। देखो बच्चे मैंने आपको एक वर्ब कुछ वर्ब्स लिखाई थी लिंकिंग वर्ब, ये वर्ब्स इनका खास ध्यान रखना होता है बेटा, लुक हो गया,
फेल हो गया, ये लिख दिया मैंने, अपीयर हो गया, बिकम हो गया, ठीक है ना। इस तरह की वर्ब जो होती है बच्चे वो आपकी कहलाती है लिंकिंग वर्ब। और जो भी लिंकिंग वर्ब है पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा मैंने लिंकिंग वर्ब के बारे में, वहां से पढ़ लेना। और आपको मैं पूछूंगा अगर एक छोटा सा सवाल कि बच्चे लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव काम मिलोगे या एडवर्ब काम मिलोगे, तो आप कहोगे सर लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव, एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब। अच्छा मुझे बताओ ही चोर था, चोर ही था, या ही चोर नहीं था, चोर नहीं ही था। आपका ए पार्ट में एरर हो गया, बिफोर द गेम ही फेल्ट ए श्योर। नेक्स्ट पर जाइए फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ऑल्दो ही ओनली अर्न्स 1600 रुपीज पर मंथ, यट ही मैनेजेस हिज फैमिली वेल्थ। मैंने एक बहुत ही शानदार एग्जांपल के साथ बताया था आपको कि भैया ओनली, जस्ट और एवर, इन तीन वर्ड्स की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है ना। ये कह रहा है ऑल्दो ही ओनली अर्न्स 1600 रुपीज पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या देख रहे हो, ऑल्दो ही ओनली अर्न्स 1600 रुपीज पर मंथ, यट ही मैनेजेस हिज फैमिली वेल्थ। देखो बच्चे क्या कह रहा है, ही ओनली अर्न्स, ओनली का प्रयोग हुआ अर्न से पहले, और ओनली का प्रयोग जहां हो जाए उसके बाद कोई संभावना बचती नहीं है। इसका मतलब है वो केवल कमाता है, खाता नहीं है, ऐसा है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा है कि वो केवल है, कमाता है ना, खाता है ना ही जाता है। तो क्या लिखेंगे बेटा जी, केवल कितना कमाता है, वो कमाता है केवल 6000 रुपए। 16 है क्या, 1600 रुपीज। तो बेटा ये ओनली है, लोकेशन क्या होनी चाहिए, इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये बिल्कुल उसी वर्ड्स के पहले आना चाहिए जिसके लिए ये आया है। कौन सी पार्ट में एरर हो जाएगी बेटा, पार्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में एरर हो जाएगी। चलो 18 का आंसर हो गया ए, नेक्स्ट दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 गजब का क्वेश्चन है भैया, they succeeded without hardly making any effort। देखो बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ देखेंगे विद आएगा, कुछ कहेंगे विदाउट आएगा, क्योंकि तीन जगह विदाउट लिख रखा है, एक जगह विद लिख रखा है, तो पहली बार तो यही सोचने में चले जाओगे। अगर कोई इतना सा सोच लेना, ये लो जी मैं कहूँ मेरे पास नए के बराबर पैसा है, कुछ पैसा वैसा है नहीं, आई हैव हार्डली एनी मनी, ये तो देखो जरा ये हार्डली है, इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए भैया, इस एनी मनी के बिल्कुल पास होनी चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन में कर दो आंसर आ जाएगा आपका, हार्डली एनी, हार्डली एनी यानी हार्डली सबसे लास्ट में आना चाहिए, और सबसे लास्ट में आया तो फिर कहाँ आना चाहिए भैया, ऑप्शन सी में आना चाहिए भैया। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्डली एनी, विदाउट मेकिंग हार्डली एनी। विदाउट एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, विदाउट प्लस वर्ब क्या है जी फॉर्म, और लास्ट में आ जाएगा आपका हार्डली। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, द कस्टमर स्कार्सली हैड एनी मनी टू पे टू द कैशियर एट द कैश काउंटर। वही बात भैया, जो हार्डली के साथ है वही स्कार्सली के साथ है, तो क्या आ जाएगा भैया, हार्डली एनी मनी या स्कार्सली एनी मनी, वही क्वेश्चन है बच्चे। तो स्कार्सली का पोजिशन क्या होगा भैया, हेड के बाद आएगा, ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, द कस्टमर हैड ए स्कार्सली एनी मनी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर एक बार फिर से ए हो जाएगा। नेक्स्ट ले लीजिए बेटा, नेक्स्ट स्लाइड लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड लीजिए।
फिर वही बात, ही कैन ओनली बी क्योर्ड, ओनली बी क्योर्ड, यानी भैया उसको केवल क्योर किया जा सकता है बाई ए सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन करके उसको केवल बचाया जा सकता है, और क्या करना है भाई, मारना थोड़ी है। क्या ओनली का पोजिशन है वो आपका सही है, ओनली क्या इसी वर्ड से पहले आना चाहिए? देखो बच्चे मैं लिखता हूं, मैंने कहा ही ओनली डाइड ए बिफोर थ्री मंथ, यही ओनली डाइड ए थ्री मंथ एगो, ऐसे लिखा मैंने भाई। इसका मतलब क्या हो गया, वो केवल मरा है तीन महीने पहले, भूत नहीं बना है, ऐसे कहोगे? नहीं ना, यानी ओनली कहाँ आना चाहिए, यहाँ ये डाइड ओनली थ्री मंथ, ठीक है, वही केस यहाँ है भैया। ही कैन ओनली बी क्योर्ड बाय ए सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसा नहीं है भैया, उसको बचाया जा सकता है केवल सर्जिकल सर्जिकल ऑपरेशन। ओनली बी क्योर्ड की जगह क्या लिखा जाएगा, ही कैन बी क्योर्ड ओनली बाय, इस तरह से, ठीक है ना, ओनली बाय सर्जिकल ऑपरेशन, इस तरह से। ओनली का पोजिशन का एरर है बेटा, पोजिशन की एरर की एक बार फिर एक क्वेश्चन मिला। क्वेश्चन नंबर 22 चले जाइए बच्चे, ही हैज टू यूजुअली गो आउट एट ऑड आवर्स, फिर वही गड़बड़ भैया, यूजुअली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है बेटा, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है उनको मेन वर्ब से पहले रखा जाता है, और जो डेफिनेट एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हमेशा सेंटेंस के लास्ट में रखा जाता है। तो क्या लिखोगे बच्चे, ए यूजुअली हैज टू, बताया था एक सेंटेंस ओपन के साथ, अगर आपको याद है तो ओपन नेवर हैज टू और टू, ये सब सॉरी यूज टू हैव टू और टू, ये सब के सब है, इनसे पहले लिखा जाता है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों हो तो यही यूजुअली कहाँ लिखा जाएगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों के बीच में आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फिर क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व हो जाएगा आपका। देखो क्या होगा, ही यूजुअली हैज टू गो, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चे, ही यूजुअली इज सीन, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों है तो क्या करोगे बेटा, एडवर्ब को बीच में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही इज ए यूजुअली सीन, यानी उसे प्राय देखा जाता है, क्या करते हैं भैया, प्लेइंग विद हिज क्लबमेट, क्लबमेट के साथ खेलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाए, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 काफी इजी है, भैया आई यूज टू ओपन टेक, मैंने कहा था इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं पोजीशन को लेकर, आई ओपन यूज टू हो जाएगा भैया, यूज टू ओपन की जगह, क्योंकि अभी भी बताया था यूज टू हैज टू हैव टू है और टू है, इन सब के पहले लिखे जाते हैं ओपन यूजुअली नेवर जैसे वर्ड, लंबी चौड़ी बात हो रही है प्रैक्टिस के पहले। ऑप्शन 24 क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर भी हो जाएगा ए, नेक्स्ट लीजिए भैया क्वेश्चन नंबर 25 इन द लास्ट फॉर द प्रैक्टिस सेट, ही मस्ट हैव बिहेव्ड, बस कुछ नहीं देखना, बिहेव एक्शन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है, आपको कि सर एक्शन वर्ब है, इतना कहते ही मैं कहूंगा भैया एक्शन वर्ब है तो इसके बाद आप एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब दीजिए, ठीक है, इम्पोलाइट एडजेक्टिव है बच्चे आपका, इसका एडवर्ब फॉर्म सर आप पूछोगे क्या होगा, मैं कहूंगा सर इम्पोलाइटली होगा, आपको मिल भी गया है इम्पोलाइटली का ऑप्शन, देखो फटाफट से कहाँ कहाँ है, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए बी और डी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी और ई कट गए बेटा, ऑप्शन नंबर सी काटा मैंने, ऑप्शन नंबर ई काटा मैंने, ये लो जी ऑप्शन नंबर ए इम्पोलाइटली एंड सफर, ठीक है ना बेटा, सफर आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये कैसे आ सकता है,
मस्ट हैव बिहेवियर एक्शन तो पूरा हो चुके हैं हाँ, और ही के साथ सफर नहीं आ सकता ना, सफर सोता आता तो भी जहां जहां सफर लिखा हुआ वो भी काट दो, ये तो पहले ही कट चुका है ना, ऑप्शन नंबर ए और काट दो, ही के साथ सफर या सफर आता, चलो गया। ऑप्शन नंबर डी देखे बेटा, हैव सफर कैसे आ सकता है, हैव सफर होना चाहिए, ए भी कट गया, ए डी सी और ई कट गए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया बेटा, बी बच गया, चार कट गए तो पांचवा बच गया। इस तरह से करोगे ना बेटा तो भले बैंक का पेपर हो, भले एसएससी का पेपर हो, भले आरएस का पेपर हो, भले आईपीएस का पेपर हो, भले यूपीएससी का पेपर हो, भले या आपका एसबीआई का पेपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, सब जगह एक ही ग्रामर आती है, कहीं भी स्कॉटलैंड वाली ग्रामर इंग्लिश कोई से भी नहीं आती है। कोई कहते मुझे सर वो बैंक का पेपर, सर बैंक का क्या है भाई, बैंक के क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, जो नो एरर वाले, जो 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो मिलते हैं, सारे के सारे बैंक के क्वेश्चन ही है, बैंक भी कॉन्सेप्ट ही मांगता है, इसके अलावा कुछ नहीं मांगता। ठीक है, पार्ट 4 देखिए, अब उसके बाद पार्ट 5 आपका ऑलरेडी चैनल पर लाइव हो चुका है, वो देखिए वहाँ से, और अभी थोड़ी देर में मिलेंगे अपन पार्ट 6 के।